रेस्पेक्टेड सर और मैडम के बारे में बताऊंगा कि आप हेकेनेसी की हेल्प से आप काफी अच्छा ट्रेड ले सकते हैं और इस ट्रेड की मदद से आप अच्छी खासी एक्सपर्टीज भी हासिल कर सकते हैं। ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस है। इस एनालिसिस के जरिए आप अगर सर यकीन मानिए अगर आप इस टेक्निकल एनालिसिस को जान गए तो आप एक अच्छी खासी पैसिव इनकम बना सकते हैं और ट्रेडिंग में भी एक अपना लॉन्ग टाइम तक एक पार्ट टाइम इनकम के जरिए और साथ ही साथ एक पार्ट टाइम इनकम क्या आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको मैं अपने बैंक निफ्टी के हेकेनेसी के चार्ट में। दोस्तों हेकेनेसी का चार्ट आपको लगाना तो काफी आता ही होगा, तो आप जाकर के हेकेनेसी का चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके ऊपर देखिए मैंने एक सिंपल मूविंग एवरेज लगाया है, उसके बारे में बाद में आपको बात करूंगा। पहले मैं हेकेनेसी की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों हेकेनेसी की प्रॉपर्टी ये होती है कि हेकेनेसी का काम होता है कि एवरेज बैलेंस को फाइंड करना। सबसे पहला काम है कि एवरेज बैलेंस यानी कोई भी चीज है मार्केट में अगर है तो उसका एवरेज क्या है वो जानना जरूरी होता है, तो हेकेनेसी भी यही काम करता है। हेकेनेसी यानी कि मार्केट की जो स्पीड है यानी दिशा है जो वे है उसका ट्रेंड फॉलो, उसका ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है और उस ट्रेंड को कैसे वो आइडेंटिफाई करता है वो ये हेकेनेसी बता देता है। हेकेनेसी नॉर्मल कैंडल से काफी अलग होता है क्योंकि ये मार्केट की दिशा को बताता है। आप बाकी कैंडल्स में देखेंगे तो बाकी कैंडल्स में आपको कभी लाल कभी पीला और मतलब जिगजैग कैंडल्स मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको सारे कैंडल वन साइड में मिलेंगे और एक कैंडल रेड, मतलब दो कैंडल ही होते हैं, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। तो ग्रीन कैंडल का वेव एक तरफ होगा और रेड कैंडल का वेव एक तरफ होगा और बीच बीच में कुछ कैंडल्स आपको छोटे बड़े मिलेंगे और उस कैंडल को बारे में आपको पता करना है कि वो कैंडल के बारे में अगर आप जान गए तो आप जो है काफी अच्छा इसमें इसके बिहार पे ट्रेड ले सकते हैं और काफी आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो कुछ लोग हेकेनेसी को स्कार्पिंग बेस पे यूज करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग के बेस पे यूज करते हैं और आप इसको बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का मेरा कहने का मतलब आप इसको इंडेक्स में यूज कर सकते हैं, आप स्टॉक में यूज कर सकते हैं, आप जहां पे भी कंफर्टेबल महसूस करें आप इसको हेकेनेसी को यूज कर सकते हैं। मैं दोनों जगह यूज करता हूं, मैं इक्विटी और स्टॉक में भी यूज करता हूं और बैंक निफ्टी में भी यूज करता हूं। बैंक निफ्टी सॉरी मेरा कहने का मतलब ये है बैंक निफ्टी इसलिए निकलता है, बैंक निफ्टी एक्चुअली इंडेक्स है ये, क्योंकि बैंक निफ्टी लोगों का काफी फेवरेट होता है आज के दिनों में, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक्चुअली थोड़ा लॉस होने की संभावना है कंपैरिजन अदर्स में थोड़े से कम होती हैं और यहाँ पे मुनाफा भी थोड़ा ज्यादा कमा सकते हैं। और हेकेनेसी की प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूँ। हेकेनेसी की प्रॉपर्टी दोनों में चार चीजों पर डिपेंड करती है, नंबर एक डायरेक्शन, नंबर दो इसका वीकनेस, नंबर दो वीक और स्पीड और ट्रेंड, ठीक है ये चार चीजें। और उसके बाद हेकेनेसी जो का मेन काम है कि इसको एवरेज मार्केट की एवरेज को फाइंड करना और मार्केट की ट्रेंड को फाइंड करना। तो यानी हेकेनेसी जो है कह सकते हैं कि मार्केट की जो ट्रेंड है वो पूरा एक तरफ ले आता है, यानी कि मार्केट अगर बुलिश है या बेरिश है, यानी कि बुलिश है तो उसको ऊपर की तरफ कैंडल की तरफ शो करेगा और बेरिश है तो आपको नीचे की कैंडल की तरफ शो करेगा। और दोस्तों इसमें टॉप दूसरा डोजी, तो स्प्रिंग टॉप और डोजी आपको जो है फाइंड करना होगा और उस फाइंड करने के बिहाफ पे आप जो है मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा पता लगा सकते हैं कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मार्केट और प्राइस एक्शन टेक्नोलॉजी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी की मदद से आप जो है कैसे ट्रेड और कब कहाँ ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस पे हेकेनेसी की प्रॉपर्टीज के बारे में ही बता रहा हूँ। हेकेनेसी की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखिए ये आपको मैं एक दिखा रहा हूँ, ये बुलिश कैंडल है, देखिए ये बुलिश कैंडल इसका लॉन्ग यहाँ पे है और इसका नेक कैंडल के बाद देखिए एक ये डोजी बनना है, यानी कि इसमें डोजी बनना है और इसके बाद लेकिन अभी ट्रेंड उसी दिशा में फॉलो हुआ है। फॉलो होने के बाद ये कि फिर यहाँ पे फिर वही स्प्रिंग टॉप बना, स्प्रिंग टॉप का मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे अभी मार्केट अनडिसाइसिव है। मार्केट अनडिसाइसिव का मतलब यहाँ पे अभी बायर्स और सेलर्स के बीच में कह सकते हैं मतलब डिसीजन नहीं बन पा रहा है कि वो मार्केट को किस दिशा में ले जाए। यहाँ पे एक स्प्रिंग टॉप बना तो फिर मार्केट अभी उसी कंडीशन में चला, यानी फिर करते करते देखिए यहाँ पे फिर स्प्रिंग टॉप आपको बना तो और मार्केट अब थोड़ा सा बुलिश हुआ। मार्केट बुलिश होने के बाद यहाँ पे फिर देखिए फिर यहाँ पे एक इस तरह का कैंडल बन जाए, जहाँ पे देखिए अगर इस तरह का कैंडल बन जाता है और आप वहाँ पे और उसके बाद आप एक बुलिश कैंडल थोड़ा बनता है और जिसके नीचे कोई टेल नहीं होती है, ठीक है अभी देखिए इसके नीचे टेल है तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। और उसके बाद देखिए फिर अभी ये एक घंटे का मैंने कैंडल स्टिक लगा रखा तो दूसरा कैंडल बनता है उसके नीचे भी एक टेल होती है
और ये भी कुछ स्पिनिंग टॉप की तरह ही है, लेकिन इस कैंडल के बनने के बाद यानी कि एक ऐसा कैंडल आता है जिसके नीचे कोई टेल नहीं होती और ये बुलिश कैंडल है, यानी कि आपने काफी इंतजार करने के बाद अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो आपकी जो है प्रॉफिट बनाने की संभावना करीब 80% से ऊपर हो जाती है, क्योंकि देखिए फिर यहाँ पे यहाँ से तक यहाँ तक काफी मार्केट भागा और यहाँ पे मार्केट को फिर स्प्रिंग टॉप और डोजी ने चेंज करने की कोशिश की, लेकिन फिर मार्केट में अब थोड़ा बहुत मूवमेंट अब डाउनसाइड मूवमेंट आया लेकिन मार्केट काफी भागता चला गया, तो यहाँ पे जिसने भी ट्रेड ली होगी काफी मुनाफा कमाया होगा। तो एक एक ट्रेंड यह है। दूसरा ट्रेंड यह है कि मैं आपको बताता हूँ कि इस पे प्राइस होगा फर्स्ट लास्ट कैंडल का जो क्लोजिंग हाई, इसका हाई और ओपन, और हाई और ओपन को हम जो है दो से डिवाइड कर देंगे और इसका जो मिड आएगा, मिड प्राइस आएगा उसका ये ओपन प्राइस आएगा। फिर इसका जो कैंडल जो बुलिश कैंडल होगी इसका हाई और इसका ओपन, इसका हाई और ओपन को दो से डिवाइड करने के बाद जो मिड आएगा उसका जो है ओपन प्राइस होगा। इसी तरह से अगर क्लोज प्राइस निकालना है तो इसका हाई और इसका ओपन के हिसाब से डिवाइड करने के बाद जो इसका जो लो प्राइस होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसका ये क्लोज प्राइस होगा। तो दोस्तों ऐसे पता कर सकते हैं हेकेनेसी के बारे में कि हेकेनेसी की जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो कहाँ पे बनेगी। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं कि यहाँ पे ओपन और हाई कहाँ पे बन रहा है। हेकेनेसी का हाई कैसे पता करते हैं हम आपको बताते हैं। हेकेनेसी का हाई ये होता है कि नॉर्मल कैंडल का जो हाई होता है उसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस इन तीनों को डिवाइड करके इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हेकेनेसी का हाई प्राइस पता कर ले वही हो जाता है। उसी तरह से हेकेनेसी का लो कैसे पता करते हैं, नॉर्मल कैंडल का जो लो प्राइस और ओपन प्राइस और हाई प्राइस को इससे डिवाइड करते हैं जो मिनिमम वैल्यू निकलती है वो। अब तो ये लो और हाई तो आप जो है अगर ट्रेड जल्दी लेते हैं, इंट्राडे करते हैं तो शायद उस समय ये सब चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं, दिमाग में नहीं आती हैं। मैं आपको मेरा कोर्स बनाने का मकसद ये है कि आप जैसे इमीडिएट और क्विक ट्रेड कैसे लें, आप उस सब पचड़ों में ना पड़े, आप सिर्फ डोजी देखें और स्पिनिंग टॉप देखें और मार्केट की ट्रेंड को पता लगाएं, इतना ज़्यादा टेक्निकली मत जाएं देखिए। और क्योंकि टेक्निकली आप जाना है तो बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ी है, आप उनको पढ़ सकते हैं और इंटरनेट में काफ़ी ज्यादा ज्ञान है, उसको भी आप साइड बाई साइड लेते रहें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ये चार चीज़ें जान गए तो बस आप चार चीज़ें ये जानना है कि डोजी कहाँ पे बनना है, स्पिनिंग टॉप कहाँ पे बनना है और मार्केट की दिशा किधर जा रही है। और सबसे पहले ये है कि इसका विक यानी कि अगर ये कैंडल बुलिश बन रही है और बुलिश बन रही है और इसके नीचे कोई डंडा विक नहीं है, यानी कि इसके नीचे जो डंडी दिख रही है ना लंबी शैडो, इसको शैडो बोलते हैं, अगर ये शैडो नहीं है और तो ये कैंडल बुलिश बन रही है और एक कैंडल का अगर आप वेट करते हैं तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे एक बाई की कॉल ले सकते हैं या बाई की ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद जो है अच्छा खासा यहाँ पे देखिए काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया लोगों ने। उसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी ट्रेंड रिवर्सल हुआ लेकिन उसके बाद यहाँ पे वीक बना, तो उससे पहले देखिए ये स्प्रिंग टॉप बना है, देखिए स्प्रिंग टॉप के बाद डोजी आया, डोजी के बाद यहाँ पे एक कैंडल बना लेकिन यहाँ पे वीक बना, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा वेट करने के लिए सोचा। तो वेट करने के बाद फिर एक कैंडल आया लेकिन ये छोटा कैंडल आया और यहाँ पे उसके बड़ा कैंडल आया और छोटा छोटे छोटे कैंडल बने। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया, यानी आपने अगर दो तीन कैंडल्स का वेट किया, दो तीन कैंडल के बाद अगर एक लंबी कैंडल बनी और लंबी कैंडल बनने के बाद भी अगर उसमें वीक बन रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया तो यहाँ पे देखिए काफी अच्छा मुनाफा कमाया, यहाँ पे जो इतने स्टॉक की शॉर्टिंग की यानी कि पुट कॉल ली या जो है अगर किसी ने शॉर्ट किया है स्टॉक को तो वहां पे भी अच्छा मुनाफा कमाया। अब दूसरा एक चीज और की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे बात आ गई तो बड़े बड़े कैंडल या बुलिश कैंडल के मैंने बारे में बताया, अब यहाँ पे मैं आपको छोटा स्मॉल कैंडल के बारे में बताता हूँ। देखिए जो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, अगर देखिए आपके रेड कैंडल बन रहे हैं, देखिए रेड कैंडल छोटे छोटे बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट आपको रिवर्स करने वाला है, मार्केट आपकी डायरेक्शन को चेंज करने वाला है। यानी कि अगर यहाँ पे छोटे छोटे देखिए कैंडल बन रहे हैं तो इसका मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात कैंडल बने और सात कैंडल के बाद देखिए पक्का जो है एक थोड़ा सा स्प्रिंग टॉप का बना और उसके बाद देखिए फिर मार्केट की दिशा को चेंजेस मिला और मार्केट थोड़ा अपर डायरेक्शन में गया। उसी तरह से मैं आपको दिखाता हूं, देखिए थोड़ा पीछे और जाते हैं, पीछे जाने के बाद आपको देखते हैं कि अगर कहीं पे ये छोटे कैंडल बनते हैं और छोटे कैंडल अगर ग्रीन कैंडल तो ग्रीन कैंडल बनने हैं उसके बाद मार्केट की दिशा मार्केट की डायरेक्शन जो है रिवर्स हुई और ये तो देखिए देखते हैं ये देखिए ये तो मैंने अभी आपको उस कैंडल में भी बताया कि यानी कि मार्केट में छोटे छोटे कैंडल बने। अभी ये देखिए
यहाँ पे देखिए आपको डोजी और स्प्रिंग टॉप को ही पहचानना है और उसको पकड़ के रखना है, ठीक है। उसको अगर आपने पहचान लिया और पकड़ लिया तो आप वहाँ पे उस बिहार पे एक दो कैंडल छोड़ करके आप ट्रेड ले सकते हैं और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बने, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बना तो आप कहेंगे कि आप कैंडल तो जरूर बनाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कैंडल बनने के बाद भी यहाँ पे एक इसके ऊपर जो विक बन रही है, तो ये विक बनने इस तरह की कैंडल बनने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। आपको बुलिश कैंडल ही हमेशा पकड़नी है और बुलिश कैंडल जिसके ऊपर विक ना बनना हो। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बने और मार्केट की दिशा को चेंज मिला। यहाँ पे छोटा प्रॉफिट बना जरूर, लेकिन यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर डोजी आ गया। देखिए अब इस कैंडल को अब ये अगर आपने पहचान लिया, देखिए जहाँ पे मार्केट अनडिसीजन मोड में है और पक्का यहाँ पे रिवर्सल आने वाला है, यहाँ पे कह सकते हैं 90% रिवर्सल आ सकता है। तो और यहाँ पे इस कैंडल में देखिए विक भी नहीं है नीचे की तरफ, अगर विक भी नहीं है नीचे की तरफ और रिवर्सल आ सकता है तो यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश ट्रेड बन गया। तो दोस्तों यही सब बातें हैकेनेसी को, और चार बातें हैं और कोई बड़ी बातें नहीं है, और हैकेनेसी को एक बिगिनर्स के लिए काफी आसान है समझना, और इसलिए मैंने इस कोर्स का मकसद ऐसे ही बनाया है कि इसमें छोटे छोटे स्ट्रैटजी ऐसे बनाई जाए जो बिगिनर्स को समझ में आए और वो स्टॉक मार्केट को पैसिव इनकम की तरफ बना सके।